अब विपक्ष के एक बड़े आरोप पर मैं आता हूं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका यह आरोप है कि ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान है। किसी कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया मिले, कैश मिले, और कोई कहेगा हम पर कोई कार्यवाही नहीं करो क्योंकि हम एमपी साहब हैं। किसी मंत्री के घर में तृणमूल कांग्रेस के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिले, गिनने के लिए मशीन कम पड़ जाए, गर्म हो जाए मशीन एसबीआई के, और वो कहेंगे हम पर कार्यवाही न करो भैया। कोई भर्ती में घोटाला करेगा, कोई गाय की तस्करी करेगा, कोई कोयले का घोटाला करेगा और कहेगा कार्यवाही नहीं करो। इस देश में अदालत नहीं है क्या? अदालत में जाना चाहिए। मैं आज इस देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ईडी ने जितने भी सीजर करे हैं इसमें किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन पर सिर्फ 5% है। 5%, 95% सीजर ऐसे हैं जिसका पॉलिटिशियनों से लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, और भ्रांति वो लोग फैला रहे हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिनका शासन ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते? 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ का, कुछ नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष के अंदर देवास का किया, आसमान के अंदर भ्रष्टाचार किया, भूमि पर तो किया ही किया, कॉमनवेल्थ का, सबमरीन का किया समंदर में, और पाताल में भी कोयले की खानों का घोटाला कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब डर रहे हैं भाई, अग्रिम जमानत के लिए चले जाओ, अगर अरेस्ट करते तो जमानत कर बाहर आ जाओ, स्टे ले लो इंक्वायरी पर, ढेर सारे रास्ते हैं। और सब भारत के सबसे अच्छे वकील तो वहीं शरण में है, एक ही पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने जाना चाहिए अदालतों में, इस देश में अदालत है। और कम से कम कांग्रेस पार्टियों को, आपका पार्टी को एजेंसी के दुरुपयोग का सवाल नहीं उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार छोड़ो, इंदिरा जी ने इमरजेंसी डालकर इस देश के पूरे विपक्ष को कारण बगैर जेल के अंदर आपातकाल में डाल दिया था, और पूरे देश, अखबार हो, टेलीविजन तो खैर बहुत थे नहीं, सरकारी ही चैनल थी, परंतु पूरे अखबारों पर इमरजेंसी लगा दी। ये क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भाई? लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं गृह मंत्री जी कि जिनके ऊपर एक जमाने में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी विपक्षी नेताओं के, अब बीजेपी के अंदर ही वो नेता जाते जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर कोई आया भी होगा, परंतु किसी पर भी बीजेपी ने केस वापिस नहीं लिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपके 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, अरुण जी और सुषमा जी ने आपकी बखियां उखेड़ दी थी, आप तो बहिष्कार कर जाते हो। ढेर सारी पीआईएल हमने लगाई थी, कोर्ट ने उनको मजबूत कर दिया, सीबीआई इंक्वायरी उन्हीं की सरकार ने उन्हीं के खिलाफ करी थी। उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी, 2G के पर किसने इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। कॉमनवेल्थ पर किसको इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। 40 ऐसे घपले थे जिसकी स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई से जांच करी थी। तो उस वक्त किसका शासन था भाई? मैं आज भी कहना चाहता हूं कि 5% से ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों के सीजर नहीं हुए हैं। ईडी ने जो लाखों करोड़ रुपया सीज किया वो ब्लैक मनी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। 95% सीजर काला धन वालों का है, 5% ये राजनेताओं का।